हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। यहां पर एक छोटा सा डेटा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। और ये जो डेटा है इसमें हमें यहां पर ये देखिए, यहां पर जो है चार जो है ब्लैंक रो इंसर्ट करानी है। कितनी? चार। तो आप ब्लैंक रो इंसर्ट कराने के लिए जनरली करते क्या है, जैसे मान लीजिए इसके और इसके नीचे चाहिए तो यहां पर रख करके राइट क्लिक करते हैं, फिर यहां इंसर्ट करेंगे तो ये ऊपर जो है इंसर्ट हो जाता है। तो हमें तो नीचे चाहिए, तो फिर हमें क्या करना है, फिर थ्री पे रख करके और यहाँ से जाना है इंसर्ट पर क्लिक करना है। तो ये आ गया एक, फिर यहाँ पर जाएंगे फिर वही काम की यहाँ पर दो, फिर यहाँ पर आएंगे तो फिर वही काम की यहाँ पर तीन, ऐसे करके हमको इंसर्ट कराना पड़ता है और ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो क्या कोई शॉर्टकट ट्रिक है जिसकी मदद से ये काम किया जा सके, तो आज इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो शॉर्टकट ट्रिक तो एक है, देखिए क्या करना है आपको, यहां से जाना है और यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है, जैसे ये ऐसा शेप बनेगा तो ये देखिए ये तो हाइट वाला है, यहां पर आते हैं तो ये इस तरीके का शेप आपको दिखता है, ये देख रहे हैं ये इस तरीके का। लेकिन आपको क्या करना है, जब इस तरीके का शेप बने तो यहां से देखिए इसको नीचे करेंगे तो ये जो है ऊंचाई इसकी यानी हाइट इसकी बढ़ जाती है। लेकिन करना क्या होगा आपको, मैं तो थ्री को सेलेक्ट कर लेता हूं और थ्री को सेलेक्ट करके हमें शिफ्ट की प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? शिफ्ट की, ठीक है। आप देखेंगे कि शिफ्ट की प्रेस करने पर ये माउस का जो यहाँ पे कर्सर का शेप है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर आपको यहां से ड्रैग करना है, ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन और फिर चार, जितने चाहिए उतने करा सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे तीन रो जो है आ गए हैं, चौथा नहीं आया क्योंकि चौथा हमने कराया ही नहीं। तो फिर अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे देखेंगे शिफ्ट प्रेस किया हमने तो फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक रो और हम कर लेते हैं तो यहाँ पे चार रो इंसर्ट हो जाते हैं। और ये बड़ा आसान प्रोसीजर है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और मान लीजिए आप फोर के नीचे कराना है तो आप अभी जाएंगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा और ये तो ऊंचाई बढ़ जाएगी इसकी, तो हमें ऊंचाई तो बढ़ानी नहीं है। तो करना क्या है, करना ये है कि शिफ्ट दबाए रखना है और शिफ्ट दबा करके और यहाँ से नीचे आते चले जाते हम, एक दो तीन चार पांच, जितना करेंगे उतना होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया,